चिमनी होता कैसे है दोस्तों, देखिए दिखा रहे हैं। ऐसे कुछ होता है, बम्मा टाइप का है, धुआं निकालने का कुछ यंत्र है। बगल में एक और देख रहे हैं जहाँ से धुआं अभी निकल रहा है, यानी कि वो चिमनी जो है स्टार्ट हो चुका है। और ये भाई लोग देखिए कैसे है, ईंट सजा रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए। शायद ऐसे ही ईंट पकता। तो बताइए मतलब किस लिए सजाया जा रहा है, मैंने ईंट पकने के लिए हो रहा है ना, तो कैसे ईंट पकता है बताइए, थोड़ा सा प्रोसेस मतलब ये बताइए कैसे ईंट पकता है। पहले तो ये सूखा वाला आ गया ना मिट्टी, जो ईंटा बना है जो खेत में वो सूख गया है, 8 दिन लगता है सूखने के बाद इधर आ गया, फिर उसके बाद से कैसे होता है पकेगा अभी, मतलब कैसे होता है प्रोसेस, किस चीज से? अभी कोयला डलाएगा अंदर, कोयला डलाएगा ना, भट्टी होता है ना, अभी फूटा होगा, अभी होगा ना। तो ये कैसे मतलब सजाते हैं लोग कि पकता है ये, इसके कैसे कैसे है, मैंने नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है? कुछ नहीं खाली। अच्छा इसके पूरा मतलब जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा होल बनाया गया, देख लीजिए पूरा मतलब कच्चा ईंट रखा हुआ है, नीचे से ऊपर तक कच्चा है, नीचे से ऊपर तक कच्चा मतलब ईंटे रखा हुआ। तो आग कैसे होता है, आग दिया किधर से जाता जाता है? वहाँ से चूल्हा बना है। अच्छा इधर से चूल्हा बना हुआ है, चूल्हा में लकड़ी उकड़ी डलाएगा। ओके, लकड़ी उकड़ी डला के आग लगाएगा। यस, उसके बाद यहाँ आग आएगा, यहाँ आग आ जाएगा, ठीक, कोयला रखाएगा। अच्छा मतलब ऊपर आग आ जाता है, आग नीचे में आएगा, नीचे में मतलब आ जाता है आग, जब आएगा तो वहाँ कोयला रखाएगा। और ये जो सामने देख रहे हैं इसका नाम बताइए, ये जो सामने जो लंबा है ये, इसका क्या नाम होता है? डॉग है। क्या? डॉग है, धुआं निकलता है इधर से, तो ये कैसे धुआं निकलता है, धुआं मैंने कैसे नीचे से जाता है, ये जो धुआं है वो नीचे से बनाया बनाया गया है, मतलब कैसा बम्मा है टाइप। अच्छा मतलब दोस्तों हम बता दे कि देखिए धुआं निकलने का प्रोसेस ऐसे होता है, तो ऐसे कोयला होता है। तो देखिए कोयला भट्टी के कोई आदमी है यहाँ पे वर्कर, बात करते हैं इनसे। तो एक कोयला से आप क्या समझते हैं, मतलब जो ये ईंटा भट्टी में यूज करते हैं कैसे होता है बताइए, कोयला से? कोयला से ही पकता है इसे, मतलब ये पूरा खड़ा ही चला जाएगा या कुछ इसको पीसा जाएगा या महीन किया जाएगा? पीसा हुआ है। हाँ उधर में पीसा हुआ है। हाँ ये मतलब महीन किया जाएगा। इस मशीन का क्या नाम होता है? ये मशीन का जैसा है ना, इसको धड़कन बोलता है। भड़कन, धड़कन, धड़कन बोला जाता है, मतलब पीस देता है, मतलब एकदम आटा जैसा होता है पिसाता है ना, मैंने पाउडर कर देता है, और पाउडर वो अच्छा होता है भट्टी आग को जलाने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ईंटा जो पकाने में कोयला का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक धड़कन मशीन होता है उसी से इस बड़े कोयलों को पीसा जाता है, मैंने पाउडर कर दिया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पाउडर यह ईंटा, यह कोयला, इसी के मदद से फायरिंग करके आग जला के यहाँ पे ईटा को पकाया जाता है। तो चलिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ओके बाय। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं इस वीडियो में, ये है कोयला और ईंट, देख रहे हैं पके हुए ईंट, आप देख रहे हैं ऐसे ईंट, पक्के ईंट है जो पूरे पक गए हैं, फिनिश हो गए हैं, ये अब मकान बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और चिमनी है बगल में, ईंटा का भट्टा कहा जाता है, यहाँ ईंट कैसे पकाए जाते हैं चलिए हम बताते हैं, दिखाते हैं, कुछ भाई लोगों से वहाँ पे बात भी करेंगे कि ईंट का पकाना कैसे होता है। ये चिमनी होता है, ईंट के भट्टा में हम आपको स्वागत कर रहे हैं, आ गए हैं, देखिए बड़े कोयला हो गया और छोटा भुन्नी हो गया, छोटी छोटी टुकड़ा किया गया है मशीन के द्वारा, देखिए इसी टुकड़े का यूज होगा ईंटा पकाने के लिए दोस्तों। चलिए ईंटा का कैसे होता है प्रोसेस पकाने का हम आपको दिखाते हैं व्लॉग में, बताते हैं। ईंटा भट्टा है जो ये एरिया है ना, ईंटा का भट्टा में हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे लकड़ी, इसी लकड़ी के हेल्प से कोयले में फायरिंग किया जाएगा, आग जलाया जाएगा, और इसी आग के द्वारा पूरे ईंटा का यहाँ पे पकाना होगा,
देखिए कैसे पकाना होगा, चलिए ईंटा के जो मेन भट्टी है ना उसी के पास से आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं भट्टी। देखिए ऐसे हो गया है ना, देखिए कच्चा ईंटा यही होता है, देख रहे हैं ना आप, बम का ये जो है ईंट देख रहे हैं, कच्चा ईंटा होता है, सूख गया है बिल्कुल, यहीं पकेगा। और चिमनी में देखिए लकड़ी को है कैसे रखेगा सजाए हुए, और भट्टी लगेगा इधर, फायर होगा आग का, और यहाँ से काफ़ी ताप का आग का गोला निकलेगा और पूरे ईंटा को पका देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमने आपको ऐसे दिखाया व्लॉग में कि ईंटा का भट्टी होता है, ऐसे ईंटा ऐसे पकाया जाता है। आप डॉग को देख रहे हैं, चिमनी ये धुआं निकलने का जगह। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद आपको, आपका जीवन अच्छा रहे, आप सुख में जीवन व्यक्त करें। निकलता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भट्टी लगाया जाता है, भाई साहब ने बताया कोयला डलाएगा इधर से आग जलेगा, जलने के बाद से उधर फायर होता है, उधर नीचे की तरफ होता है, ऊपर नहीं आएगा नीचे हो जाएगा, और धुआं शायद देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और यहीं से यह जगह है जो ये जो हम बता रहे हैं सीधा आप देख रहे हैं, मतलब यही धुआं वाला जगह हो गया ना, ये जो देख रहे हैं काले काले जो मिट्टी भी है यहाँ पे, यहीं से धुआं निकल रहा है, और धुआं निकल के कनेक्शन किया गया है ये डॉग से। दोस्तों देखिए इसका नाम डॉग है, मैंने चिमनी बोलते हैं मतलब, और धुआं निकलने का जगह ऐसे हम आपको व्लॉग में दिखा रहे हैं। देखिए और ये सब ईंटा रखा हुआ है नीचे, नीचे ईंटा रखा हुआ है ताकि ईंटा सब पके ताप के द्वारा, देख लीजिए ऐसे छोटे छोटे होल है जो धुआं का है, देख लीजिए दोस्तों। और इस सब में ये ईंट डलाया हुआ है, देख लीजिए कैसे ईंट पक रहा है, देख रहे हैं आप, और डॉग के रास्ते से धुआं निकलता है। आप देख रहे हैं दोस्तों ईंट भट्टा का जगह।